आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। देवाधिदेव महादेव ब्रह्मांड के राजा भगवान शिव का प्रिय मास श्रावण अब विदा लेता हुआ दिख रहा है। श्रावण सोमवार लगातार दो, इस बार अधिमास के कारण श्रावण दो मासों का हुआ, 59 दिन का श्रावण, और इस श्रावण सोमवार में, इस श्रावण मास में दो मासों में 8 श्रावण सोमवार पड़े और अंतिम श्रावण सोमवार को कितना सुंदर यहाँ पर सजाया गया था। बाबा महाकाल मठ मंदिर, मठ मंदिर के बारे में मान्यता है कि मठ मंदिर का में भगवान शिव के शिवलिंग की स्थापना आदि शंकराचार्य के द्वारा की गई थी। आदि शंकराचार्य ने इस शिवलिंग की स्थापना की गई थी, कराई थी। और एक मान्यता यह भी है कि जिस दिन काशी विश्वनाथ में शिवलिंग की स्थापना हुई थी, उसी दिन सिवनी के, भगवान शिव की नगरी सिवनी के इस मठ मंदिर में शिवलिंग की स्थापना कराई गई थी। और दोनों का नाप माप एक जैसा था इस तरीके का, हालांकि प्रमाण तो नहीं मिलता, पर जो किंवदंतियां हैं वो इसी तरह की किंवदंतियां हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। श्रावण मास में लगातार ही सुंदरकांड का पाठ यहां पर जारी रहा, 2400 घंटे सुंदरकांड का यहां पर पाठ चलता आपको दिख रहा होगा। श्रावण सोमवार में किसने सुंदर तरीके से मठ महाकाल समिति के द्वारा देवाधिदेव महादेव ब्रह्मांड के राजा भगवान शिव के इस दरबार को सजाया गया है, देख सकते हैं आप। देखते ही बन रहा है, श्रद्धालु यहाँ पहुँच रहे हैं और यहाँ की साज सज्जा वास्तव में देखते ही बन रही है। सिवनी का ऐतिहासिक मठ मंदिर का जीर्णोद्धार जारी है। मठ महाकाल समिति के द्वारा श्रद्धालुओं से अपील की गई है। ये देखिए, एक यहाँ पर बुजुर्ग श्रद्धालु के द्वारा नंदी के कान में कुछ कहा जा रहा है। जिस तरीके की मान्यताएं हैं कि नंदी के कान में अगर आप कुछ कहते हैं तो वो भगवान शिव तक आपकी बात पहुंच जाती है। यहाँ नारियल की जटाओं से, नारियल से बने हुए लगभग 18 फीट के देवाधिदेव महादेव भगवान शिव यहाँ दिखाई दे रहे हैं। लिपटी की लालटेन में हमने आपको ये पूरा दिखाया था किस तरह से बनाया है। यहाँ पर इस भगवान शिव और त्रिशूल के साथ में एक नाग की प्रतिकृति को किस तरह से नारियल और नारियल की जटाओं से बनाया गया है। मठ महाकाल समिति के द्वारा इसका रखरखाव किया जा रहा है और बहुत ही सुंदर तरीके से सारी व्यवस्थाओं का यहां संचालन किया जाता है। देखिए, कतारबद्ध बैठे श्रद्धालु सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं, संगीतमय सुंदरकांड यहाँ चल रहा है। वैसे तो अनेक देवालयों में भगवान शिव की नगरी में पूरे श्रावण मास में सुंदरकांड का पाठ चलता रहा, यहाँ संगीतमय सुंदरकांड का पाठ आपको दिखाई दे रहा होगा। आप सुन रहे होंगे सुंदरकांड का पाठ, और महिलाएं, पुरुष, बच्चियाँ, बुजुर्ग, सब नर नारी सभी यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे। एक बार फिर हम आपको दिखा रहे हैं कितने सुंदर तरीके से मठ महाकाल समिति के द्वारा इस पूरे मठ मंदिर परिसर को सजाया गया है। वास्तव में छटा देखते ही बन रही है यहाँ पर श्रद्धालुओं के द्वारा, कितना सुंदर नज़ारा। बहुत ही सिवनी का एक इसे बड़ा चमत्कारिक मंदिर माना जाता है। सिवनी में मठ मंदिर, जो मठ तालाब के बाजू में स्थित है, वो मठ मंदिर हम आपको उसका परिसर दिखा रहे हैं। श्रद्धालुओं को आना जाना और फूलों से कितने सुंदर तरीके से यहाँ सजाया गया है, गुब्बारों से सजाया गया है। वास्तव में बहुत ही सुंदर नज़ारा यहाँ का दिखाई दे रहा होगा। ये शिवलिंग के आप दर्शन करें, शिवलिंग पर भगवान शिव की प्रिय वस्तुओं को चढ़ाया जा रहा है, उन्हें स्नान कराया जा रहा है। दूध, शर्करा, शहद, तरह तरह की चीज़ें, धतूरे भी आपको रखे हुए दिख रहे होंगे। भगवान शिव को जो भी चीज़ें पसंद हैं उन्हें प्रसन्न कर सकती हैं। श्रद्धालुओं की कोशिश होती है कि उन्हें प्रसन्न करने के लिए उनकी मन पसंद। ये देखिए, ब्रह्म कमल भी यहाँ पर मठ मंदिर में ब्रह्म कमल भी चढ़ाया जा रहा है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। बहुत सुंदर नज़ारा दिखाई देता है,
ऐतिहासिक मठ मंदिर का जीर्णोद्धार चल रहा है। जनप्रतिनिधियों से भी अपील की गई है कि वे भी यहाँ इसमें सहयोग करें। ये कितना सुंदर यहाँ पर नज़ारा दिखाई दे रहा है और कितने ज़्यादा तादाद में यहाँ पर भक्त सुंदरकांड का पाठ करते हुए आपको दिख रहे होंगे। बालस्वरूप हनुमान मंदिर में भी लगभग इतने या इससे ज़्यादा ही श्रद्धालु सुंदरकांड का पाठ करते हुए दिखते हैं। वास्तव में बड़ा अद्भुत नज़ारा होता है देवालयों में जब इतने लोग इकट्ठे होकर एक सुर से सभी एक सुर से ईश्वर की आराधना करते हैं, देवाधिदेव महादेव ब्रह्मांड के राजा की आराधना करते हैं। सिवनी के बारे में एक मान्यता किंवदंती यह भी है कि भगवान शिव की नगरी कहा जाता है सिवनी को। भगवान शिव का विशेष स्नेह विशेष आशीर्वाद सिवनी के साथ है, इस तरीके की मान्यताएं भी हैं। सिवनी के मठ मंदिर के बारे में ये कहा जाता है कि अगर आप यहाँ जाते हैं और आप कोई मनोकामना मांगते हैं सच्चे दिल से, अगर आपके द्वारा कोई बात कही गई है, कोई आपने मनोकामना आपके द्वारा मांगी गई है तो वो पूरी अवश्य होती है, इस तरीके की मान्यताएं भी हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। यहाँ पर आप जाकर ये देखिए, आदि शंकराचार्य भी यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे। वास्तव में बहुत सुंदर अद्भुत नज़ारा, और यहाँ आप जब इस परिसर के अंदर पहुँचते हैं तो एक अलग सुकून अलग शांति की अनुभूति आपको होती है। कितने सुंदर तरीके से यहाँ सजाया गया है, वाकई बहुत अद्भुत नज़ारा श्रावण के मास में दिखाई देता है। मठ मंदिर, ऐतिहासिक मठ मंदिर सिवनी का कितना सुंदर यहाँ पर आपको अनुभूति होती है, बहुत सुंदर अनुभूति होती है और बहुत सुंदर नज़ारा मठ मंदिर का दिखाई देता है। मठ मंदिर का परिसर बहुत बड़ा है, मठ तालाब भी इसके बाजू में है। जनप्रतिनिधि अगर चाहें तो उस मठ तालाब का सौंदर्यीकरण करा सकते हैं, उसे खाली कराकर गहरीकरण कराया जा सकता है, किसी भी एजेंसी के द्वारा इस काम को कराया जा सकता है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। अगर आपको ये खबरें पसंद आ रही हो तो आप इन्हें लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। फिलहाल इजाजत लेते हैं, हम फिर हाजिर होंगे। जय हिंद।